गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव आर डैश थीटा बिंदु पर क्या है विभव का मान ज्ञात करना, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो, माना हमारे पास कोई दो बिंदु है, ए और बी। पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। इन दोनों को मिला देंगे। ए पर तो क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और बिंदु बी पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, टू ए। सेंटर पर कोई वो बिंदु है तो सेंटर से आर दूरी उपस्थित अन्य कोई बिंदु पी है, तो ये आर दूरी अन्य कोई बिंदु पी आ गया, ठीक है। तो इनको क्या आपस में मिला देंगे दोनों को, तो ये क्या है, सब कौन थ्री कुछ का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये क्या है आर वन, और ये क्या है आर टू। तो ओपी द्विध्रुव के एक्स पर स्थित है, और थीटा कौन का निर्माण करते हैं, तो ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया पी डैश थीटा। अब यहां से क्या है वो प्लस क्यू, यानी बिंदु पी पर क्या है एक लंब डालेंगे, अन्य बिंदु ये है सी, ठीक है। तो ये आर है पूरा, ये आर वन है, तो ये ए से सी क्या बचेगा, आर टू माइनस आर वन। चूंकि बी सी ए, तो बी सी बराबर क्या है एपी, भुजा पर क्या है लंब है। एक तो बात ये लिखेंगे, ये बीसी एपी भुजा पर लंब है, तो ये एपी भुजा है, यहाँ पे लंब डाल रखा बी पर, तो बीसी एपी भुजा पर लंब हो गए। अब लिखना कैसे, देखो ये डायग्राम बना दिया, लिखना है माना हमारे पास कोई दो बिंदु, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है बी। तो बिंदु ए पे तो क्या है माइनस क्यू आवेश, और बिंदु बी पर क्या है प्लस क्यू आवेश। तो ए और बी के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस क्या होगी, टू ए, और सेंटर पर कोई बिंदु ओ है, तो ओ से आर दूरी उपस्थित अन्य कोई बिंदु पी। तो ओ पी क्या है द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, ठीक है। तो इनके बीच कौन क्या होगा थीटा, तो ये यहां से इसको मिला देंगे, इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओनली इतना सिर्फ इतना लिखना आप, माना हमारे पास कोई दो बिंदु है ए और बी, और ए पे तो क्या है चार्ज माइनस क्यू, और बी पे चार्ज क्या है प्लस क्यू, और ए और बी के बीच की दूरी क्या है टू ए। सेंटर का कोई बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित अन्य कोई बिंदु पी है, तो पी क्या है द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित है, तो उनके मध्य क्या है थीटा कोण बनता है, बात नहीं है इतना लिख लेना, ठीक है। तो अब प्लस क्यू आवेश कण और माइनस क्यू आवेश कण विद्युत विभव निकालना है, तो प्लस क्यू आवेश कण बिंदु पी पर विभव होगा। अब देखो प्लस क्यू आवेश कण बिंदु पी पर विभव होगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव होगा। अब देखो तो वी वन बराबर क्या है के क्यू अपॉन आर वन, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव होगा। विभव का फॉर्मूला क्या होता है, वी बराबर के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो कैसे कैसे क्यू बीच गया, यहाँ पे क्या है प्लस क्यू स्मॉल अपॉन क्या डिस्टेंस क्या आर वन, तो v1 बराबर kq / r1, इक्वेशन एक आ गई। और माइनस q आवेश के कारण बिंदु p पर विभव होगा, ठीक है। तो वो v2 हो जाएगा, यानी kq, ये क्या है माइनस q है, तो माइनस q / r2, इक्वेशन आ गई दो।
प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों का निकाल लिया, अतः कुल विभव, अतः कुल विभव क्या होगा, तो कुल विभव को वी से डिनोट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे बी वन प्लस बी टू, तो इक्वेशन एक और दो से इक्वेशन तीन में मान रख देंगे। मान रखने पर तो मान रख देंगे वी बराबर क्या हो गया, वी वन के क्यूब वन आर वन, ये क्या है प्लस माइनस के क्यूब वन आर टू, तो ये क्या आ गया आर वन आर टू के बाहर लेने के, तो अंदर क्या बचा आर टू माइनस आर वन, ये बच गया ठीक है। तो v बराबर क्या बचा k आर टू माइनस आर वन आर वन आर टू, ये हमारे पास बच गया, क्योंकि 2a less than r, 2a less than क्या है r, तो r1 बराबर r2 r होगा ठीक है। तो अब देखो यहां पे एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा, ये वाला एक त्रिभुज ये बन जाएगा, तो त्रिभुज ये क्या है पी ओ बी, और दूसरा क्या है बी ए सी, ये वाला बी ए सी ठीक है, तो दो त्रिभुज बन गए। तो ये आ गया, इस त्रिभुज को से क्या करेंगे त्रिभुज बी ए सी से थीटा के बराबर है, ये त्रिभुज बीएसी से, त्रिभुज बीएसी से क्या होगा कोस थीटा का मार्ग करेंगे, तो कोस थीटा बराबर क्या आ गया एसी अपॉन एबी, यहां से क्या हो गया एसी बराबर एबी कोस थीटा, एबी कोस थीटा आ गया ठीक है। AB का मान क्या है यहां से A और B क्योंकि डिस्टेंस 2A, तो AC बराबर कितना आ गया 2A cos theta, तो ये AC बराबर 2A cos theta क्या है, मतलब AC A ये R2 minus R1 है, तो ये मान क्या है इक्वेशन तीन तक आ गई। अब इक्वेशन चार देखो, ये मान है इक्वेशन फोर का मान क्या है, इक्वेशन थ्री में पुट कर देंगे, इक्वेशन फोर का मान इक्वेशन थ्री में पुट करने पर, इक्वेशन फोर में पुट कर देंगे तो वी बराबर क्या हो गया, तो एक के तो बाहर निकाल लेंगे ठीक है, ठीक है। तो ये क्यों भी था भूल गए यहां पर ना, ये क्यों भी है, तो के तो ये हो गया क्यू आर टू माइनस आर वन, क्या लिख सकते हैं टू ए कॉस थीटा, यानी एसी टू ए कॉस थीटा अपॉन क्या है आर वन आर टू, तो आर वन आर टू बराबर क्या होता है आर, तो आर कॉस आर, तो यहां से क्या आ गया के को तो बाहर ही लेंगे और क्यू को अंदर ले जाएंगे, तो क्यू क्रॉस टू ए बार क्रॉस थीटा, आर क्रॉस आर का मतलब आर स्क्वायर ठीक है, ये आ गया। चूंकि क्यू क्रॉस टू ए का मतलब क्या होता है पी, ये क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहां पे क्यू क्रॉस टू ए को क्या लिख देंगे पी, तो ये आ गया के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या गया v, तो v बराबर क्या गया kp cos थीटा अपॉन क्या आर स्क्वायर, ये क्या है विद्युत ध्रुवीकरण बिंदु p पर क्या है विभव का मान,
क्या मान है, v बराबर केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें ध्यान देना था। अब इसका सदिश रूप लिखते हैं, देखो सदिश रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, देखो इसको v बराबर के बाहर आ जाएगा तो p वेक्टर, तो सदिश है तो इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, डायरेक्शन क्या होगा, आर कैप अपॉन क्या आर स्क्वायर, ये इसका क्या है सदिश रूप है। पहले तो ये नॉर्मल रूप आ गया इसका बिंदुओं का मान, फिर इसका सदिश रूप लिख लेंगे, ठीक है। अब इनकी क्या स्थितियां क्या होगी, मतलब इसके केस बनाएंगे अब, ठीक है, तो ये समझ में आ गया, तो इनको क्या प्लेस कर रहा हूं, देख लो किसी सवाल को, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है थीटा का मान क्या है 90 डिग्री लिखेंगे, तो बिंदु P पर द्विध्रुव के निरक्ष, तो बिंदु P पर क्या है द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री लिखेंगे तो बिंदु P द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होगा, थीटा का मान 90 डिग्री लिखेंगे तो बिंदु P के द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होगा, तो कहां पर रखना है मान, यहां पे रखना है क्योंकि सिचुएशन, ठीक है, तो थीटा कोस थीटा बराबर क्या होता है कोस 90, तो कोस 90 का मान क्या होता है, पहले तो क्या 90 रखेंगे जीरो रखेंगे जनरल डिग्री का मान, पहला केस में थीटा बराबर जीरो डिग्री, तो बिंदु P पर क्या है द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होगा, तो कोस जीरो का मान क्या होता है 1, तो इक्वेशन क्या आ गई v बराबर केपी अपॉन आर स्क्वायर, फर्स्ट केस में तो ये हो गया, सेकंड केस में देखो, सेकंड केस है थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये लिखना है, तो बिंदु P पर, तो बिंदु P द्विध्रुव के एक्स की जगह लिखना है निरक्ष उपस्थित होगा यहां पर, ठीक है, तो कोस थीटा, तो कोस 90 डिग्री बराबर क्या होता है जीरो, तो v बराबर कितना आ गया जीरो, यानी क्या v निरक्ष इज इक्वल टू जीरो, ये v x है इज इक्वल टू क्या kp अपॉन r स्क्वायर, ये दो केस बना लिए, पहले तो हमने बनाया थीटा का मान जीरो रखेंगे तो बिंदु P पर द्विध्रुव की x स्थित होगा, तो ये मान करके आ गया, और दूसरे केस में क्या है थीटा का मान 90 डिग्री लिखेंगे तो बिंदु P द्विध्रुव की निरक्ष स्थित होगा, यानी क्या है इस पूरे का मान क्या है जीरो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया।